हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में आगे के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर हमारे टाइप 9 के 10th तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बच्चों वाला है, नर्सरी क्लास का। एंड किसी चक्रीय चतुर्भुज में ABCD में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होता है? तो चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होता है। सभी बच्चों को पता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, तो 11 में तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। और किसी में भी कुछ नहीं है यार, सभी बच्चों वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 में दिया गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। मेरे पास ABCD क्या है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, कुछ इस प्रकार से ABCD। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है मेरे पास। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिएगा। AB भुजा ई तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि BE बराबर BC, मतलब ये वाली जो भुजा है इसके बराबर है। तो ये मैंने ले लिया BE बराबर BC हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया ई। ओके, आगे देखिएगा, क्वेश्चन ने बोला है एंगल ADC बराबर 70 है। ADC बराबर 70 है, ये वाला एंगल हमें 70 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 70 हो जाएगा बाह्य कोण। ठीक है, एंड ये अगर 70 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर। आगे देखो, एंगल BAD बराबर 95। BAD मतलब ये हमें अगर 95 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा भाई? दोनों अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कितने के बराबर? 180 के बराबर। 180 में से 95 गए तो बचे कितने? 85 बचे, 85 डिग्री बचे। समझ गए, 85 डिग्री बचे। एंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एंगल DCE का मान, DCE का मान मतलब यहां पर एक भुजा और है। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है DCE मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है पूरा टोटल। ठीक है, एंड इस एंगल को निकालने के लिए मुझे चाहिए एक तो 85, एक ये और चाहिए। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो भाई, इसका एक्सटीरियर एंगल, अब मेरे पास ये डायग्राम है एंड ये मुझे पता है कितना है, 70 डिग्री है और ये 110 डिग्री है, ये बाह्य कोण हो गया। तो इन दोनों का सम कितना होगा भाई? इसके बराबर होगा, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने ये दोनों भुजा बराबर बोली है और बराबर भुजा के सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। तो सीधी सी बात है, 110 को दो टुकड़े करेंगे, 55 और 55 हो जाएंगे। जब 55 में जोड़ लूंगा 85 तो कितना हो जाएगा? 140। कितना हो जाएगा? 140 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लस करके चेक कर लीजिए। ठीक है, 140 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और किस टाइप से सॉल्व करना है वो भी सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ने बोला है एक चक्रीय चतुर्भुज में एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर दिया हुआ है एंगल बी प्लस एंगल डी। तो देखो, हमेशा याद रखना अपोजिट एंगल का सम कितना होता है चतुर्भुज के अंदर? 180 डिग्री होता है। एक चक्रीय चतुर्भुज है मेरे पास, नाम दे देते हैं ABCD, यहां पे ABC और डी। याद रखना, इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, एंड इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। मतलब अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये है कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर हो जाता है किसके? एंगल बी प्लस एंगल डी के। क्यों? क्योंकि दोनों का मान 180 डिग्री है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। एंगल बी प्लस एंगल डी, ये दोनों बराबर क्यों है भाई? क्योंकि ये इन दोनों का स्पेशली सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। तो ए प्लस सी का सम 180 होता है एंड बी प्लस डी का सम 180 होता है, इसलिए मैंने 180 लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहां पर प्लस होता तो 360 कर देते, ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो 360 कर देते। इसका जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ए प्लस सी का मान भी 180 है एंड बी प्लस
डी का मान भी 180 है, तो इसलिए तो दोनों बराबर में लिखे हुए हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं, किस टाइप से सॉल्व करना है सीखते हैं। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एंड नए स्टूडेंट्स हो तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। 13 तो कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक मेरे पास चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, इस टाइप से मान लो ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन की एंगल ए बराबर 4x, ए बराबर 4x, ठीक है, एंड हमें दिया हुआ है बी बराबर 7x, बी बराबर 7x, ठीक है, एंड हमें दिया हुआ है सी बराबर 5y, सी बराबर 5y, एंगल डी बराबर y, कितना y डिग्री। तो आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री अपोजिट एंगल का, एंड इन दोनों का सम 180 डिग्री। तो क्या मैं इन दोनों को जोड़कर इन दोनों के बराबर रख दूँ? हाँ बिल्कुल। ए कितना है मेरा 4x है, ठीक है, प्लस 5y, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये बराबर में रख सकता हूँ किसके, 7x प्लस y डिग्री के। बोलो, एक काम करते हैं, हम y को इधर लेके आते हैं तो 5 में से एक y चले गए तो 4y बचे, एंड एक काम करते हैं 4x को इधर लेके जाते तो माइनस हो जाएगा, 3x बचेंगे। तो x का मान हो गया 4, तो x रेशियो y यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना, 4:3। यही तो हमसे पूछा है कि रेशियो क्या होगा, 4:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4:3। याद रखना 3-4 भी है, बराबर के केस में क्या होता है, वैल्यू चेंज हो जाती है। y का मान तो 3 हो गया एंड x का मान 4, इसलिए मैंने x का मान 4 रख दिया एंड y का मान 3। ठीक है, 4:3 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, रफ तो करने दीजिए तभी तो देखेंगे जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब है। ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब है। जब भी कभी समलंब की बात की जाए, जब भी कभी समलंब की बात की जाए तो इसमें एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब है इस टाइप से, ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। जब भी कभी ए बी सी डी एक त्रिपेजियम एक सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हैं तो उस केस में याद रखना एंगल ए कितने डिग्री है, ये देखिएगा। तो एंगल ए हमें दिया गया है कितना, एंगल ए बराबर 105। जब ए बराबर 105 है मतलब जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो हम इस लाइन से ड्रॉ करेंगे, मतलब अल्फाबेट यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उल्टे सीधे लिख दो, उल्टे सीधे लिखोगे तो आंसर चेंज जाएगा। ठीक है, हो सकता है दो ऑप्शन भी मैच कर जाए, हो सकता है तीन ऑप्शन भी, लेकिन याद रखना आपको जो चलनी है डायरेक्शन, जब भी कभी ए का मान कितना हो 105 डिग्री, कितना दिया हुआ 105 डिग्री मतलब 90 से ज़्यादा हो तो इस टाइप में ही आपको गिनती लिखनी है, और अगर 90 से कम होता है तो इस वाले को ए मानेंगे, ए बी सी एंड डी। 90 से कम हो ए का मान तो फिर हम नीचे से सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले जो एंगल होंगे वो 90 से ज़्यादा होंगे, देखने से भी आपको लग रहा होगा, और ये 90 से कम होंगे, समझ गए। तो ये तो रही अल्फाबेट लिखने की बात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। क्वेश्चन ने बोला सॉरी, AD पैरेलल है BC के, AD जो है पैरेलल है BC के, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, एंड ये दोनों तो समान हो ही जाती हैं। ठीक है, त्रिपेजियम के अंदर जब वृत्त के अंदर बनता है, एंगल A बराबर 105 तो अन्य तीन कोण, तो 105 डिग्री जब ये है तो ये भी हमारा 105 डिग्री होगा, और अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, ये हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, मैंने किस लिए बोला आपसे सीरियल वाइज में लिखने को, देखो अभी जो हमारा आंसर है वो कितना है भाई, बी का मान हो जाएगा 75, सी का मान 75 एंड डी का मान 105 डिग्री, ध्यान से समझना। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा 75 105, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगर आप इसी डायग्राम में देखो, एक छोटा सा बना देता हूँ,
इसी डायग्राम में यहाँ से ए बी सी एंड डी स्टार्ट कर दो, त्रिपेजियम में ये थोड़ा सा समझ लो बस, ठीक है, इस टाइप से, ये इसके बराबर है, ये पैरेलल है इसके। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ए को 105 ले लूँ, कितना 105 डिग्री ले लूँ, नीचे वाला जो एंगल है इसके बराबर होता है हमेशा, तो ये भी 105 हो जाएगा, ऊपर वाला 75-75 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ए जब 105 है तो बी का मान कितना हो गया, क्या कर रहा हूँ मैं सिर्फ सीरीज चेंज कर रहा हूँ, तो बी का मान हो गया 105 हो गया, सी का मान हो गया 75 एंड डी का मान हो गया 75। तो देखो जरा ऑप्शन में 105 75 75, तो ये तो 105 75 75 ऑप्शन नंबर टू भी इस तरीके से राइट है भाई, ठीक है, कितना ऑप्शन नंबर टू, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है, आपका जो राइट होगा वो ये होगा। आप चाहो तो ए को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, तब भी आपकी सीरीज गलत होगी, लेकिन मेरी बात याद रखना अगर सही करना है तो, हमेशा त्रिपेजियम जब अंदर बने वृत्त के सर्कल के अंदर अगर त्रिपेजियम बनता है तो उस केस में आपको सीरीज यहाँ से स्टार्ट करनी है, ए बी एंड फिर सी एंड डी, ठीक है, बाकी आप चाहो कहीं से भी कर सकते हो, आंसर चेंज जाएगा, मुझसे मत बोलना। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, तो इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी होगी इस क्वेश्चन में कि क्या करें, ठीक है, क्योंकि सीरीज थोड़ा सा सही वे में लिखो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी बराबर ए सी और बी डी जो प्रतिच्छेद पी बिंदु पर कर रहे हैं, तो एंगल ए पी बी बराबर, देखो प्रतिच्छेद बिंदु पी दिया हुआ, मैं मिड पॉइंट नहीं दिया, सर्कल का मिड पॉइंट नहीं दिया, मतलब सर्कल का सेंटर नहीं दिया हमें, ठीक है, एक मेरे पास व्रत है एंड व्रत के अंदर चतुर्भुज दिया हुआ ए बी सी डी, मान लो ये यहाँ पर दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है, नाम दे देते ए बी सी एंड डी, चतुर्भुज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं से भी नाम दे दो, वो तो सिर्फ करते चलो, क्वेश्चन जैसे बोले ए सी एंड बी डी प्रतिच्छेद बिंदु है, मतलब ए सी एंड बी डी एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं पी पॉइंट पे हैं, लेकिन याद रखना ये जो पॉइंट है ये सर्कल का पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है, सर्कल का मिड पॉइंट नहीं है, याद रखना, ठीक है, पी बिंदु है, एंगल ए पी बी, ए पी बी बराबर दिया हुआ है कितना 64, क्वेश्चन ने दिया हुआ है 64 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक है, 64 डिग्री दिया हुआ है, और क्वेश्चन ने बोला है हमसे कि बताओ, अभी एक और एंगल है, एंगल सी बी डी 28, सी बी डी मतलब ये वाला एंगल हमें 28 दे रखा है, ठीक है, आगे बोले एंगल ए डी बी का मान क्या होगा, ए डी बी का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू हमसे पूछ ली गई, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक वृत्त है मेरे पास और यहाँ पर एक एंगल इस टाइप से दिया हुआ है, ये वाला एंगल 64 दिया है, तो इसके ऊपर वाला एंगल इसका आधा हो जाएगा, 32 हो जाएगा यहाँ पे, भाई ये बात तो वही है ना, यहाँ पे इस टाइप से देखोगे तो ऊपर की साइड में तो बन रहा है, इसे अगर आप ऐसे बनाओगे, अगर आप इसे ऐसे बनाओ, ऐसे बना लो, इसके ऊपर ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी इसका आंसर कितना होगा, 32 होगा, लेकिन कब, जब ये जो है सेंटर हो, किसका वृत्त का, किसका सर्कल का, किसका सेंटर हो, वृत्त का, लेकिन यहाँ पर ये वृत्त का नहीं है, ये हमारे चतुर्भुज का है, क्वाड्रिलेटरल का है, ये पॉइंट पी वृत्त का तो हो सकता है यहाँ पर हो, ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे नहीं लगता, और लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन में हो सकता है 32 भी दिया गया हो, और आप कितनी खुशी से लगा कर आओगे, बाद में पता चलेगा गलत है, ठीक है, लेकिन एक बात ये और पता होनी चाहिए कि हमेशा एक लाइन पर, देखो ये तो मैंने आप लोगों को बताई है बेसिक में, एंड एक लाइन पर जब एंगल बनाए जाते हैं इस टाइप से, एक एंगल बनाए जाते हैं एक ही लाइन पर एंड दो पॉइंट से, ठीक है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो अगर आप देखोगे यहाँ से ऊपर वाले, ठीक है, यहाँ पर मिड पॉइंट का कोई काम नहीं है, ठीक है, यहाँ से ये लाइन ली एंड ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है, तो बोल सकते ये 28 डिग्री होगा, ये आपका सही है, ठीक है। जब ये 28 डिग्री है तो एक बात बताओ जी, वो क्या कि अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, यहाँ से डी पी एंड ए इस टाइप से बना हुआ है,
ठीक है, ये पॉइंट है डी पी और ए, एंड यहाँ से एक बाहर की साइड में मुझे एंगल पता है 64 डिग्री, और ये पता है कितना 28 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया भाई, जब एक्सटीरियर बाह्य कोण है तो ये इन दोनों का समी तो होगा, इन दोनों को मिलाकर 64 आ जाना चाहिए। तो 28 माइनस कर दो भाई, इसमें से 28 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। तो एंगल ए डी बी 36 डिग्री बिल्कुल राइट होगा, समझ गए, नोट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम इंटीरियर अपोजिट दोनों एंगल का जो सम होता है वो बराबर होता है बाह्य कोण 64 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 36 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, समझ गए। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक है। उम्मीद करते हो ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा आने वाला है 17, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है एबीसी एक चक्रीय चतुर्भुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज तो नहीं बनेगा, ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए, ठीक है, और भी एग्जाम में। अब देखो एबीसी, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, ए बी एंड सी, एबीसी एक मेरे पास त्रिभुज है, ये सेंटर पॉइंट हो गया। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है हमसे एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी इसे हटाई दो अभी, यहाँ से एंगल बी ए सी से, ठीक है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन एंगल ए बी सी, ए बी सी मतलब यहाँ से, ठीक है, एंगल बी सी ए की एंगल बाइसेक्टर, दो भाजक, ठीक है, वृत्त पर पी क्यू आर बिंदु पर मिलते हैं, पी क्यू आर बिंदु पर, मतलब पहले पी कहाँ पर है वो देखो, पी जो पॉइंट हमें दिया गया वो बी ए सी के लिए, बी ए सी के लिए पी बिंदु, मतलब यहाँ से जो एक लाइन ड्रॉ होगी दो भाजक वो क्या होगा, वो वृत्त पर मिल रहे हैं और किस पॉइंट पर, पी पर, ठीक है। फिर ये वाली साइड यहाँ से गई और यहाँ पर वृत्त के सर्कमफेरेंस पर मिली पी क्यू, एंड यहाँ से फिर एक लाइन ड्रॉ हुई और ये यहाँ सेंटर से निकलती हुई यहाँ पर आई आर पॉइंट पर, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि बताओ एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी, पी का ये तो मतलब ये भी जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ। अब यहाँ पर मैं इसे हाईलाइटेड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमसे पूछ लिया गया कि एंगल आर क्यू पी पूछा गया, मतलब ये वाला एंगल पूछा गया, ठीक है। पूछने को ये भी पूछ सकता है यहाँ से आर क्यू आर बी सी, मतलब देखो पहला हो गया ये, एंड यहाँ से मैं अगर मिलाऊँ इसे भी मिला देता हूँ। अब आपसे पूछ लीजिए आर पी क्यू का मान क्या होगा, इसी तरह पी क्यू आर का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह क्यू आर या फिर पी आर क्यू का मान क्या होगा, अभी हमसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, आर क्यू पी, एक बार चेक कर लीजिए एंगल आर क्यू पी, देखो एंगल आर क्यू पी पूछ रहा है, एंगल आर क्यू पी बराबर हो जाएगा अपोजिट जो एंगल है उसके सामने जो एंगल है, ठीक है, उसके सामने मतलब इसके सामने वाला ये एंगल है बी, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने देखिएगा एंगल दिया हुआ है बी पी क्यू आर बिंदु एंड आर क्यू पी, आर क्यू पी बराबर हो जाएगा एंगल, देखो एंगल क्यू निकालना है, सीधी सी एक बात बताऊं, एंगल क्यू निकालना है तो 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे, एक्सटीरियर बाहर का है इस वजह से 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल बी का आधा, क्या कर देंगे बी का आधा माइनस कर देंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। इस टाइप से जब भी आएगा तो यहाँ पे बी का आधा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला जब ये वाला एंगल पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इसके सामने वाली जो डायरेक्शन में होगा उसका आधा कर देंगे। इसी तरह से मैं अगर पूछूँ आपसे
एंगल आर क्यू पी है इस केस में, तो मैंने पूछ लिया आर पी क्यू बता दो कितना, एंगल आर पी क्यू यहीं पे लिख दे दो, एंगल आर पी क्यू तो पी मैंने, एंड पी जो सेंटर में, यहाँ पे क्यू के, क्यू देखा मैंने सेंटर में, इसके अपोजिट था बी, तो पी के अपोजिट क्या है ए, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस कर देंगे एंगल ए बाई टू, ठीक है। इसी तरह एंगल हमसे पूछ लिया जाएगा, ये भी हो गया, ठीक है। अब की बार इसे ले लो, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, एंड आर के अपोजिट जो एंगल होगा उसे माइनस कर देंगे एंगल सी को, माइनस एंगल सी बाई टू। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बाकी तो आप थ्योरी देख सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट होगा 17 का, समझ गए। इस टाइप से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नोट कीजिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, 18वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन चीज़ों को समझने से अच्छा होता है उन चीज़ों को ना बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तो वो पॉइंट थ्योरी बेस अगर आप याद रखते हो या फिर थ्योरी याद रखते हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, आप उसे डिटेल में जाने से अच्छा है आप जो डायरेक्टली रिजल्ट है उसे याद कर लो, ठीक है। बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, हर चीज़ का प्रूफ नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा 18 में क्या दिया हुआ है, एंड प्रूफ करना, ठीक है। प्रूफ कर देंगे बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल BCD बराबर 120 डिग्री AB जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। एक वृत्त है मेरे पास, ठीक है, एंड AB जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, वृत्त का केंद्र है, सेंटर है, ठीक है। AB गुजर रही है, क्या है मेरे पास चतुर्भुज है, तो यहाँ से C पॉइंट यहाँ पर मान लो कहीं C हो गया, ये पॉइंट D हो गया, ABCND ये पॉइंट हो गए, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है हमसे एंगल ABD, देखो 120 भी दिया है, एंगल BCD ये 120 है, कितना 120 डिग्री है, तो हमसे पूछा गया भाई, तो हमसे पूछ लिया गया कि बताओ कि एंगल ABD क्या क्या पूछा है, एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल पूछा है, बच्चा भी निकाल लेगा इसे, पता है कैसे, ब्यास पर बना एंगल यहाँ पर ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। पहला पॉइंट, इन दोनों का सम 180 डिग्री, 120 माइनस कर दो 180 में से, ये हो गया 60 डिग्री। जब ये 60 है ये 90 है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, समझ गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें भी थ्योरी मत लिखाने की बोल देना, ठीक है। देखो जो पॉइंट है वो मैं अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है, एंड आप लोगों के लिए सिर्फ मैं इतना बोलूँगा, हर पॉइंट को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो शायद ख़त्म नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABND C को जब बढ़ाया जाता है कहीं भी पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल है, एंड बेसिक में भी मैं एक पॉइंट लिखा चुका हूँ, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ABCD ना, बाहर पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ नाम दे दे ABCD, ABCD पॉइंट है, एंड ये बाहर कहीं पर मिल जाती है, यहाँ पर मतलब घर से निकले यहाँ कहीं मिलने पहुँच गए मंदिर पे, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, PA बराबर 8 है, यहाँ पे एक पॉइंट तो आप लोगों को पता होगा कि PA मल्टीप्लाई PB बराबर होता है PD मल्टीप्लाई PC, इसके बराबर होता है, बेसिक में बताया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है 3, एक वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है, PA बराबर 8 मल्टीप्लाई एंड PB बराबर 6 बराबर PD की लंबाई हमसे पूछी गई है,
ठीक है, पी सी बराबर चार, तो पी डी हमसे पूछ लिया गया इंटू पी सी बराबर चार, तो चार दुनी आठ, छः दुनी बारह, तो पी डी बराबर हो जाएगा बारह। ज़रूरी नहीं है आप इसे लिखो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। पी डी इक्वल टू बारह, ओके, ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, टू क्वेश्चन नंबर 20 ने बोला है कि पी क्यू आर एस टी एक चक्रीय चतुर्भुज पंचभुज है भाई, ठीक है, एंड पी टी व्यास है इसमें, ये भी स्पेशल है, पी टी व्यास दिया हुआ, एक वृत्त है मेरे पास, बड़ा सा बना देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है, 20 तक ही रहने देते हैं, आज गर्मी बहुत है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पी टी व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी और ये पॉइंट टी है, पी टी व्यास हो गया, और ये हमें दिया हुआ है क्या, पंचभुज जिसकी पांच भुजाएं, तो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ये पॉइंट हो गए मेरे, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने बोला है पी टी व्यास है, ओके, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर मतलब ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ओके, एंड एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी, और ये वाला एंगल, इसका सम हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इन दोनों का हमसे सम पूछ रहा है, यहीं पे लिख देता हूँ, तो एंगल क्यू, या फिर पूरा लिख लो, एंगल पी क्यू आर प्लस पूछ रहा है एंगल आर एस टी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, बताओ, देखो अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा व्यास है, और व्यास पर बना एंगल कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री का, कितना हो जाएगा जी, 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके, जब ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो एक बात बताओ, इसे भूल जाओ, अब सब कुछ भूल जाओ, अब देखो आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा, या तो आप इसे ट्रेपेजियम लाइक बोल सकते हो, ठीक है, या फिर ट्रेपेजियम नहीं बोलना चाहते हो तो फिर चतुर्भुज बोलो आप इसे, ठीक है, क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे यहाँ पे। तो चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और इसका आधा वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है भाई, इन दोनों का सम कुछ याद आया, 180 डिग्री होता है, कितना होता है, इन्हें अलग करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, और प्लस 90 और कर लो भाई, तो ये दोनों हो जाएंगे ना पूरे, समझ लो बात को, मुझे तो ये पूरा चाहिए था भाई, एंड ये भी पूरा चाहिए था, और किस में चाहिए था, साथ में, जब ही तो प्लस बोला, तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे, 90 प्लस 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, कितना, 270 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 कैसे आया कि आमने सामने एंगल का सम चतुर्भुज के अंदर कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, 0 0 हो गया, 8 और 16 17 1 2 270 डिग्री हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है दोनों का सम, हो गया 270 राइट आंसर होगा, तो ज़रूरी नहीं है आप उसे और लेंथी लेकर जाओ, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, ओके फ्रेंड्स, चलो फिर मैं चलता हूँ, और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।